खबर अल्मोड़ा के सल्ट से है, जहां राजनीतिक पार्टी के मंडल अध्यक्ष को यौन शोषण आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा लालकुआ दुग्ध संघ अध्यक्ष पर फिर से एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार यह आरोप हाल ही के दिनों में लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बढ़ते अपराधों को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार किया, जिसमें बीजेपी विधायक खजाना दास ने कहा कि यह घटना दुखद है, हालांकि सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। न्याय नहीं मिला है तो राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इसी से आक्रोशित होकर के कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे हरिद्वार के सभी वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन कांग्रेस जनों ने किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाना बंद किया जाए, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती और राज्य में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो बड़े आंदोलन के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम छोड़ेंगे।